डॉग इज कंसिडर्ड मैन्स बेस्ट फ्रेंड। कुत्ते इंसान के सबसे वफादार और अच्छे मित्र माने जाते हैं। इनकी समझदारी और वफादारी के कारण ही लोग इन्हें पालते भी हैं और अपने घर के सदस्य की तरह ही ट्रीट करते हैं। क्यूट दिखने वाले पपीज और छोटे आकार के कुत्ते तो सबको पसंद होते हैं, लेकिन कुछ लोग पालने के लिए हमेशा ऐसे जानवरों को ही चुनते हैं जो कि खूंखार और खतरनाक हो। पूरी दुनिया में कुत्तों की करीबन 300 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं, जिसमें चीते से भी तेज रफ्तार वाले कुत्तों से लेकर इंसानों की तरह ही समझदार और किसी जंगली जानवर से भी ज्यादा जानलेवा कुत्तों की ब्रीड शामिल है। कई देशों में कुत्तों को चोरों को पहचानने की खास ट्रेनिंग दी जाती है और कुछ खास नस्ल के कुत्तों को मिलिट्री, पुलिस, आर्मी तथा बॉम्ब स्क्वाड में विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि अपने मालिक के एक इशारे पर ही किसी भी दूसरे व्यक्ति को दो हिस्सों में चीरकर अलग कर दें। कुत्तों की इन प्रजातियों में बड़े आकार के कुत्तों से लेकर मशीन की तरह मजबूत जबड़े से चीर फाड़ कर देने वाले कुत्ते शामिल हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि कई बार इनका दिमाग खराब हो जाने पर खुद इनके मालिक को भी इन्हें काबू में कर पाना असंभव हो जाता है और ऐसी स्थिति में ये आसपास के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। कुत्तों का कई बार इतना खतरनाक हो जाना और लोगों की जान तक ले लेने की वजह से कई देशों की सरकार ने इन्हें बैन भी कर दिया है, यानी कि इन्हें पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और कुछ जगहों पर इतनी खतरनाक कुत्तों की नस्ल को पालने के लिए लाइसेंस और सर्टिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये कुत्ते अपने आप में किसी जानलेवा हथियार से कम नहीं। आइए जानते हैं दुनिया भर में पाए जाने वाले कुछ बहुत ही खूंखार और जानलेवा कुत्तों की प्रजातियों के बारे में, जिन्हें देखते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। वुल्फ हाइब्रिड। वुल्फ डॉग हाइब्रिड कुत्तों की एक ऐसी प्रजाति है जो कि एक आम कुत्ते के साथ असली जंगली भेड़िये से ब्रीड करके बनी है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रजाति दुनिया की 10 सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों में आती है। इनके अंदर भेड़िये का डीएनए होने की वजह से इनका बर्ताव जंगली भेड़िये से काफी मिलता जुलता है। भेड़िये जंगलों और बर्फीले इलाकों में रहने वाले सबसे खूंखार हत्यारे जानवर माने जाते हैं। किसी को भी देखते ही मौत के घाट उतार देना इनके स्वभाव में होता है। वुल्फ डॉग हाइब्रिड को पालना अपने आप में एक साहस वाला काम है, क्योंकि कहा जाता है कि इस कुत्ते को पालना अपने घर में किसी जंगली भेड़िये को पालने से कम नहीं। ये कुत्ते जन्म से ही शिकारी होते हैं और किसी जंगली जानवर की तरह ही ये दूसरे जानवरों को मारकर खाने में माहिर होते हैं। वुल्फ डॉग हाइब्रिड से जुड़ी एक समस्या ये भी है कि कई बार इन कुत्तों और भेड़ियों में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी बनावट और हरकत पूरी तरह भेड़िये की तरह नजर आती है। इसलिए अक्सर इन्हें देख लोग बहुत ज्यादा दहशत में भी आ जाते हैं। छोटे बच्चों को इस प्रजाति के कुत्तों से हमेशा बचा कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये इंसान के छोटे बच्चों को एक शिकार की नजर से ही देखते हैं। टोसा इनू। आकार में विशाल और वजन में भारी भरकम कुत्तों की इस नस्ल को फाइटर ब्रीड या डॉग ऑफ द सामुराई भी कहा जाता है। ये कुत्ते बहुत ताकतवर हैं और इनका वजन 90 किलो तक हो सकता है। बेहद शक्तिशाली और गुस्से वाले ये कुत्ते अपने आसपास किसी अनजान व्यक्ति और दूसरे जानवरों की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए जो लोग इन्हें पालते हैं उनके घर में मौजूद दूसरे सभी जानवर जैसे कि तोता, कबूतर, गिनी पिग तथा अन्य पालतू जानवरों को इनसे बचा कर रखना पड़ता है। कुत्तों की ये प्रजाति बहुत रेयर है, इसलिए इनकी कीमत 1 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक होती है। वैसे तो इंसानों पर हमला नहीं करने के लिए इनको खास ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा आक्रामक और खतरनाक होने की वजह से डेनमार्क, माल्टा तथा नॉर्वे जैसे देशों में इन्हें पालने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि उनका मानना है ऐसे खतरनाक कुत्तों को पालना जीते जागते हथियार को रखने के बराबर है, जो कभी भी बेकाबू हो सकता है और खुद मालिक भी अपने मतलब के लिए अपने इस कुत्ते के जरिए हमला करवा कर किसी की जान भी ले सकता है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर या APBT। जब भी खतरनाक कुत्तों की बात की जाती है तब अमेरिकन पिटबुल का नाम आता ही है। पूरी दुनिया में पिटबुल के जैसी दूसरी कोई भी कुत्तों की प्रजाति नहीं है। ये कुत्ते अच्छे होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। इनके जबड़े में इतनी ताकत होती है कि कोई भी चीज इनके मुंह में एक बार आ जाए तो उसे ये आसानी से नहीं छोड़ते। घातक और जानलेवा होने की वजह से कई देशों के क्रिमिनल्स ने इन कुत्तों से लोगों पर हमला करवाकर उन्हें जान से मारने के लिए पालना शुरू कर दिया था, जिससे
इससे इन कुत्तों की काफी बदनामी हुई और इन्हें हत्यारे की नजर से देखा जाने लगा। आकार में छोटे होने के बावजूद भी ये एक झटके में किसी भी व्यक्ति को गंभीर रूप से जख्मी कर सकते हैं। इन कुत्तों में कॉन्फिडेंस तो कूट कूट के भरा होता है, जिसकी वजह से ये कई बार बेहद उत्तेजक और आक्रामक हो जाते हैं। अग्रेसिव नेचर होने की वजह से इन्हें पालने वाले को बचपन से ही इन्हें सोशलाइज करना यानी कि दूसरे लोगों से घुलना मिलना सिखाना पड़ता है, क्योंकि इनके गुस्से के आगे किसी की नहीं चलती। जिद्दी स्वभाव के कारण अगर ये किसी दूसरे कुत्ते पर हमला करके उसे मारने की ठान ले तो खुद मालिक भी इन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते। पिटबुल अपने अटैक्स के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। बेकाबू होकर लोगों पर हमला कर देना, दूसरे जानवरों और लोगों को गंभीर रूप से घायल कर देना, ये सब सही से ट्रेनिंग ना होने और मालिक की लापरवाही का नतीजा होता है। पिटबुल एक फाइटर ब्रीड के कुत्ते माने जाते हैं, इसलिए चाहे जितनी ट्रेनिंग दी जाए दूसरों पर अटैक करना इनके खून में होता है। यही वजह है कि इन्हें मायामी की डेड काउंटी, जो कि फ्लोरिडा में स्थित है, और ओंटारियो कनाडा और साथ ही दूसरे कई देशों में पूरी तरह बैन कर दिया गया है। फीला ब्राजीलेरो। ब्राजील में पाए जाने वाले ये कुत्ते अपनी सुपर्ब ट्रैकिंग एबिलिटी, आक्रामकता और अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इन्हें मुख्यतः जंगली सुअरों तथा जैगुआर के शिकार के लिए पाला जाता है। कहा जाता है कि इन कुत्तों के स्वभाव में किसी को माफ करना नहीं होता, इसलिए जब इन्हें कोई परेशान करता है या किसी व्यक्ति या जानवर पर इन्हें गुस्सा आ जाता है तो उसका बच पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इन कुत्तों का पशुओं को चराने और देखभाल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, और इस प्रजाति का केवल एक कुत्ता ही शिकारी जानवरों की भीड़ को भगाने के लिए काफी होता है। कई बार चिढ़ जाने पर ये अपने मालिक के कंट्रोल से भी बाहर हो जाते हैं, और इन्हें गुस्सा आ जाने पर इनका मालिक भी इनसे दूर रहना सही समझता है। ये कुत्ते अनजान लोगों को बहुत कम पसंद करते हैं और साथ ही भौंकने से ज्यादा ये हमला करने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। प्रेसा कनारियो या बुल मैस्टिफ। इन कुत्तों को लड़ाकू कुत्ते भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जिंदगी का मेन मकसद ही लड़ाई करना होता है, और इसीलिए इन्हें पाला भी जाता है। आकार में ये कुत्ते काफी बड़े होते हैं और इनका वजन 70 किलो तक हो सकता है। अजनबियों के बीच में जाते ही ये कुत्ते बहुत हाइपर एक्टिव और किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार वाली स्थिति में आ जाते हैं। बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से इन्हें कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल बन जाता है। वैसे तो ये अपने मालिक के प्रति काफी वफादार होते हैं, लेकिन सभी तरह की आदतों के लिए इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि ताकतवर होने की वजह से बड़े हो जाने के बाद इन्हें कुछ भी सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सन 2001 की बात है, सैन फ्रांसिस्को के घर में इस ब्रीड के एक जोड़े को उनका कोच ट्रेन कर रहा था। इस दौरान दोनों कुत्ते बहुत आक्रामक हो गए और अपने ट्रेनर पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से इन कुत्तों की ब्रीड बहुत बदनाम हुई और इन्हें ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में पालने पर बैन भी लगा दिया गया। बाद में इन कुत्तों की मालिक मार्जरी नॉलर को ट्रेनर की सेकेंड डिग्री मर्डर के इल्जाम में 15 साल की कैद भी हुई। रॉटवाइलर। इन कुत्तों का इस्तेमाल आज ज्यादातर पुलिस और मिलिट्री के K9 यूनिट में किया जा रहा है, इसलिए ये कुत्ते सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स और गार्ड डॉग्स की श्रेणी में आते हैं। वैसे तो ये कुत्ते बहुत ही अच्छे तथा वेल मैनर्ड होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये बहुत घातक और खूंखार भी हो सकते हैं। इन कुत्तों को पालना अपने आप में एक बेहद कठिन काम है, क्योंकि इन्हें रहने के लिए बड़ी जगह चाहिए होती है और खुला माहौल इन्हें ज्यादा पसंद आता है। दूसरे लोगों से मिलना जुलना इन्हें बचपन से ही सिखाना पड़ता है, क्योंकि इनका एक बार का अटैक ही किसी भी व्यक्ति को सीधा हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। इन कुत्तों को बहुत प्यार से रखना पड़ता है, क्योंकि स्वभाव में ये बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, इसलिए दूसरे कुत्तों को देखते ही ये उन्हें डराने लगते हैं। रॉटवाइलर अगर बेकाबू हो जाए तो ये कई बार अपने मालिक पर भी हमला कर देते हैं, और ये कुत्ते पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपने मालिकों पर हमला करने वाले कुत्ते माने जाते हैं। बावजूद इसके इनके ओबीडियंट नेचर, अच्छा स्वभाव और काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले एटीट्यूड के कारण लोग इन्हें पालना पसंद करते हैं। डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो बड़े आकार के सफेद मस्कुलर डॉग्स होते हैं। ये अपने शरीर की ताकत और शिकार करने की खूबी के लिए जाने जाते हैं। अर्जेंटीना में विकसित हुई कुत्तों की इस नस्ल का इस्तेमाल शुरुआत में विशाल जंगली सुअर, मछलियों और दूसरे जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बेहद शक्तिशाली होने की वजह से ये कुत्ते अपने से बड़े जानवरों को भी अपनी बल और ताकतवर जबड़ों की पकड़ से मार डालते हैं। हंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन कुत्तों का बाद में चलकर ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए यूज होने
लगा। लेकिन इतने ताकतवर कुत्तों को शुरू से ही इंसानों पर हमला नहीं करने की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है। कई देशों में इन कुत्तों को डॉग फाइट्स में भी शामिल किया जाता है और यकीन मानिए डॉगो अर्जेंटिनो को किसी भी फाइट में हारना बिल्कुल पसंद नहीं। बेकाबू होने पर ये कुत्ते किसी भी इंसान की जान तक ले सकते हैं, इसलिए इन्हें पालना कोई आसान काम नहीं। खतरनाक होने की वजह से कुत्तों की ये नस्ल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पोर्चुगल सहित अन्य देशों में बैंड है। नियोपोलिटन मैस्टिफ। आकार में बड़े और बेहद ढीली त्वचा वाले ये कुत्ते अपनी प्रोटेक्शन स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। ये इंसानों के परिवार, घर और प्रॉपर्टीज का बचाव और रखवाली करने में माहिर होते हैं। इन कुत्तों की ओरिजिन इटली से है, जहां पुराने समय में इन्हें वन ऑन वन ग्लैडिएटर्स के साथ बेहद भीष्म और खून खराबे वाली लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रोमन्स तो इन कुत्तों को वॉर डॉग्स के रूप में भी इस्तेमाल करते थे और जंग के मैदान में अपने साथ ले जाया करते थे। हैरी पॉटर मूवी में हैग्रिड के पास जो बड़े आकार का हमेशा राल टपकाता हुआ कुत्ता दिखाया गया है, वो नियोपोलिटन मैस्टिफ ही है। असल में ये कुत्ते काफी निडर और अपने परिवार तथा मालिक और घर के प्रति एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव होते हैं। ये कुत्ते केवल जरूरत पड़ने पर ही भौंकते हैं और छोटी सी अनजान हलचल से तुरंत सतर्क हो जाते हैं। इन कुत्तों का इतिहास जंग और लड़ाइयों से जुड़ा होने की वजह से इसमें दर्द और जख्मों को सहन करने की क्षमता दूसरे कुत्तों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है और साथ ही इन्हें अपने मालिक को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये चीज इनके अंदर जन्म से ही आ जाती है। वैसे तो ये कुत्ते बहुत समझदार होते हैं, लेकिन कई स्थितियों में इन्हें मालिक को छोड़कर घर के दूसरे सदस्यों पर हमला करते देखा गया है। खासकर कम उम्र के बच्चों और छोटे बच्चों के प्रति ये ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, इसलिए सिंगापुर तथा रोमानिया जैसे देशों में इन्हें पालने पर एक खास सर्टिफिकेट तथा लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। बैंडॉग। कुत्तों की ये प्रजाति उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने पहले कभी कुत्ते नहीं पाले, क्योंकि इस तरह के खतरनाक कुत्तों को पालने के लिए हर एक दिन इन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। बैंड डॉग का बर्ताव पूरी तरह उसके पालन पोषण पर निर्भर करता है। ये कुत्ते शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत गुस्सैल और बेहद प्रोटेक्टिव भी होते हैं। अपने मालिक के लिए वफादार और उनकी रखवाली करना इनके स्वभाव में होता है। आमतौर पर इन्हें फैमिली पेट के रूप में रखने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि मस्ती मजाक से ज्यादा इनका इंटरेस्ट खेल और फिजिकल ट्रेनिंग में होता है। ये दिमाग से चतुर और किसी भी चीज को जल्दी से सीख लेने में दूसरे कुत्तों के मुकाबले काफी बेहतर होते हैं और यही चीज इन्हें एक अच्छा और बुरा दोनों तरह का डॉग बना सकती है। इनके जबड़े काफी मजबूत होते हैं, जो एक बार किसी चीज को पकड़ लें तो जब तक उनकी मर्जी ना हो तब तक उसे छुड़वाना असंभव है। आसपास बच्चों या दूसरे कुत्तों की मौजूदगी में ये डॉग्स ज्यादा सतर्क और आक्रामक बन जाते हैं और अपने चालाक दिमाग से कई बार ये अचानक हमला भी कर देते हैं। ये कुत्ते अपने आप में किसी हथियार से कम नहीं, इसलिए कई देशों में इन्हें पालना पूरी तरह प्रतिबंधित है। टिबेटियन मैस्टिफ। टिबेटियन मैस्टिफ बड़े आकार के भारी भरकम और घने बाल वाले कुत्ते होते हैं। इनकी गर्दन शेर की तरह घने बालों से घिरी होने की वजह से इन्हें लायन डॉग्स भी कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र के ये कुत्ते ताकतवर और विशालकाय होने की वजह से शुरुआत में भेड़ों की रखवाली के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। ये इन पशुओं को भेड़ियों, चीतों, भालुओं और टाइगर्स से बचाकर रखते थे। ये आम कुत्ते नहीं जिनके साथ मस्ती की जाए, बल्कि इन्हें पालने वाले व्यक्ति को इन्हें कंट्रोल में रखने के लिए खुद बहुत ताकतवर और बलवान होना जरूरी है। हालांकि स्वभाव में ये थोड़े शांत होते हैं, लेकिन दूसरों पर अपना हक जताना, उन्हें कंट्रोल करना और उन पर दबाव बनाना इनके खून में होता है, इसलिए इन्हें पालने वाले व्यक्ति को इन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और सूझबूझ की जरूरत पड़ती है। ये विशालकाय जानवर गुस्सा आने पर किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर को अपनी ताकत और जबड़ों के जरिए बुरी तरह चीर फाड़ कर सकते हैं। अनजान व्यक्ति इन्हें ज्यादा पसंद नहीं आते और अपने आसपास किसी नए इंसान की मौजूदगी होने पर ये बहुत सतर्क हो जाते हैं और पूरे समय अपनी नजरें उस नए इंसान पर गड़ाए रखते हैं। भारी भरकम और ताकतवर होने की वजह से ये बिना दांतों के इस्तेमाल के भी किसी जानवर या इंसान को अपने पंजों और शरीर के वजन से ही धराशायी कर सकते हैं। इतने वजनदार होने के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये थे दुनिया भर में पाए जाने वाले कुछ सबसे खतरनाक कुत्ते। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।